बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के लेक्चर में हम नाइन्थ क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्वायर एंड व्हिच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो स्क्वायर मैट्रिसेस वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, और जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर ना हो उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहला मैट्रिक्स देख लें, इसमें दो रोज है और दो कॉलम है, तो चूंकि बराबर है तो इसलिए इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर टू, इसमें दो रोज है और 1, 2, 3 कॉलम है, तो इसको चूंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है इसलिए ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर थ्री है, सी इज इक्वल टू दिस 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है इसलिए ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर फोर में एक रो है और एक कॉलम है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर है इसलिए इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर फाइव में एक कॉलम है और दो रोज है, बराबर नहीं है नंबर ऑफ रोज और कॉलम इसलिए ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर सिक्स में एक कॉलम है और दो रोज है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर नहीं है इसलिए ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर टू है, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ऑर्डर दिया है रोज बाई थ्री, अब दो रोज है तो टू और बाई मल्टीप्लाई बाई और थ्री, 1, 2, 3 की तरीका है इसका ऑर्डर हमारे साथ, ये इसका क्या है ऑर्डर, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 बाई 3, मतलब दो रोज है और तीन कॉलम। अब इसमें भी 1 रो है और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे 1 बाई 1। इस तरह 3 रोज है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे 3 बाई 2, 3 रोज है 3 बाई 2। इस तरह इसका ऑर्डर हम लिखेंगे 2 रोज है तो 2 और 3 कॉलम है, पर यहाँ लिखिए ऑर्डर इज इक्वल। इस तरह इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, 1 पर। इस तरह यहाँ पे 3 रोज है और 3 कॉलम है, तो इसका आर्डर होगा 3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व होंगे। नंबर 3 है, एफ ए इज इक्वल टू 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 6, गिव द फॉलोइंग एलिमेंट, ये एलिमेंट बताइए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, ये A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 पहले वाला रो है फिर कॉलम है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, A41 फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, A42 फोर्थ रो सेकंड कॉलम, A43 फोर्थ रो थर्ड कॉलम। तो A12 हमारे साथ क्या है 2, A23 क्या है 0, A32 क्या है 1, A43 क्या है 6, A13 क्या है -4 है, और A33 क्या है 5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 साल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इक्वल वो होंगे जिसके ऑर्डर सेम हो और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। तो अब यहाँ 2, 5, 1, 3, यहाँ पे 4 है इक्वल नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, ये भी बराबर नहीं है। तो डी के साथ देखते 2 A11 के बराबर है, 5 A12 के बराबर है, A21 के बराबर है, और A22 के बराबर है। तो A एंड B आर इक्वल मैट्रिसेस बिकॉज नंबर 1 ऑर्डर इज सेम और नंबर 2 करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर बी और सी 2 और ये भी 2 है, ये 5 है, ये 3+2 ये भी 5 है, ये 4 है और ये 3 है, और ये 2+1 3 बराबर है। ठीक है, तो बी एंड सी आर इक्वल मैट्रिसेस बिकॉज ये दो रीजन देखे, ऑर्डर इज सेम एंड करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।